गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स, दिस इज़ डी एस ब्लॉग। वेलकम टू डी एस ब्लॉग। और आज है 9th जुलाई 2023। वहाँ का टाइम हुआ है अभी 5 बजे। और आज का जर्नी थोड़ा लॉन्ग है। जम्पोई हिल्स जाएंगे घर से, क्योंकि इससे पहले मैं धर्मनगर से जाता था। तो तो हम लोग यहाँ से जाएंगे जम्पोई, और एक दिन स्टे करने वाले हैं वहाँ का जो फेमस लॉज है, टूरिस्ट लॉज इडेन, वहाँ पे रुकेंगे। तो उधर पहले से बुक करना पड़ता है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने बुक नहीं किया है। अभी भरोसा है कि हम लोगों को उधर जाके मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग गए थे तो पूछे थे कि है क्या नहीं है, तो उधर रूम अवेलेबल था। तो अभी रेनी सीज़न है तो रास्ता भी थोड़ा अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि मिल जाएगा बोल के, कॉन्फिडेंट है। तो फिर चलिए। और मेरा बैकपैक रेडी है, ये देखिए बैकपैक रेडी हो गया है। और जो मेरा स्पेशल चीज़ है वो है टेंट, ये देखिए ये टेंट है। और ये देखिए मेरा टैंक बैग आ गया है, मेरा मेघालय टूर का जो हिस्सा बनने वाला है टैंक बैग, और सैडल बैग भी आने वाला है। और मैंने सैडल स्टे ऑर्डर कर दिया है, आने वाला है, और सैडल बैग भी आ जाएगा। और ये देखिए एम्प्टी। तो अभी हम लोग निकलेंगे, मनीष मेरे लिए वेट कर रहा है, तो अभी जल्दी जल्दी करके निकलना है, कहीं कुछ छूट ना जाए, देखना पड़ेगा। ठीक है, हियर वी गो फ्रेंड्स। अभी हम लोग निकल रहे मगोए रे। जम्पोई, जम्पोई हिल्स। जम्पोई हिल्स यहाँ से तकरीबन 224 किलोमीटर है। तो सुबह निकलने का टाइम हमारा फिक्स था 5 बजे, लेकिन जो अक्सर होता है वही हुआ है, तकरीबन 5:30 बज रहा है। तो मनीष मेरे लिए वेट कर रहा है करीब आधा घंटा से, तो मैं अभी जाऊंगा मनीष को लेके। फिर उसके बाद अगरतला से उसका दोस्त है, कुछ फ्रेंड्स जा रहे हैं, उसको लेना है, सभी को लेके उसके बाद हम लोग जाएंगे जम्पोई। मौसम ऐसा है कि बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, कम से कम आधा घंटा एक घंटा बाद देता तो अच्छा होता, लेकिन वेदर पे तो देखा है बिल्कुल साफ, और अभी आ रहा है बारिश। और रे मेरा गोप्रो अगर भीग गया तो, क्योंकि इसका जो वाटर प्रूफिंग शील्ड है वो खोल के लगाना पड़ता है। बाइजर उतार देता हूँ, हाँ ये सही रहेगा। करना है फुल टैंकी फुल करके, उसके बाद जाऊँगा फिर कुमार घाट, या फिर अगर हम लोग पानी सागर पहुंचे तो उधर जाके टैंकी फुल करना है। रात को सोया 1 बजे, जो कि कहते हैं ना एक्साइटमेंट से नींद नहीं आता है, क्योंकि अगरतला से जम्पोई जाना 224 किलोमीटर और फिर वापस आना अगले ही दिन, तो ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट होगा, क्योंकि मेरा मेघालय का ट्रिप आ रहा है, वो भी जुलाई का एंड पे या फिर अगस्त में हम लोग जाएंगे, कॉन्फर्म है। मेरे साथ तब रहेगा सूरज। नहीं ना कत लगब ना अगरतला का ले लो, इधर नहीं है दोस्तों, अगरतला से लेना पड़ेगा। तो बारिश देखिए
बिल्कुल मजेदार, झमझम झमझमाझम। भीगूंगा तो नहीं क्योंकि मेरे पास तो जैकेट है। तो भाई मनीष इधर रुका है, बारिश आ रहा है, बारिश। कि आज का जर्नी काफी ज्यादा मजेदार और काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे वेदर पे तो बारिश दिखाई नहीं रहा है लेकिन बारिश हो रहा है, वो भी थोड़ा थोड़ा। इसमें जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ले, ये तेरा है, ये भी तेरा है। इसको कंधे में ले सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, ये गिरेगा नहीं, ये गिरेगा नहीं, इसको रहने दे। सही, इसको कंधे में ले ले क्योंकि ये पूरा सेट हो गया है ना, अभी गिरेगा नहीं, देख है ना। लेकिन मैं अभी हाँ लंबा कर सकते हैं मैं, लेकिन मेरा अभी टेंशन हो गया है, उसको तो लेके जाऊंगा, ये बैग में कहाँ लूंगा, आगे लूंगा तो पूरा फुल हो जाएगा, दिखाएगा ही नहीं। चलो इस बैग, ये बैग बहुत हल्का है, इसमें पूरा गोप्रो वो है, ड्रोन ड्रोन सब इधर ही है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस ब्लॉग। और आज बारिश की वजह से तो वीडियो कर नहीं पाया ठीक से, अभी भी बारिश ही हो रहा है तो गोप्रो का भीगने का बहुत ज़्यादा चांस है। वैसे तो वाटर रेजिस्ट है लेकिन चांस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मेरा मोबाइल एक ख़राब हो चुका है। तो मेरे साथ है कौन है, सस्पेंस है, बाद में पता चलेगा आपको। अरे रे 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 रे, लेकिन रोड बहुत अच्छा है। ये अठारमुरा का हिली रेंज है, ये रहा अठारमुरा का जो व्यू है। रेलवे का एक टनल जाता है तो वो उसी साइड में है, मेरा लेफ्ट साइड में। ये रोड बहुत ही खतरनाक था, अभी बन गया है, अच्छा हुआ है। हाँ और भी माइंड फ्रेश होने वाला है, और भी ज्यादा होने वाला है। अरे ये बारिश ने तो तंग करके रखा है। और दो साल बाद पूरा जब रोड पूरा ठीक हो जाएगा ना, और अच्छा लगेगा। We'll be right back.
सो अभी हम लोगों का खाना खत्म हो गया है। अभी का जो सीन आएगा ना, अभी का जो सीन आएगा ना बहुत मस्त आएगा। हमारा खाना खत्म हो गया है तो अभी हम लोग जा रहे हैं पेचारथल, जो कि शिलछरा वाटरफॉल से। तो जम्पई हम लोग, हमारा प्लान हुआ है कि हम लोग शिलछरा से उसके बाद जाएंगे। लेट तो होगा लेकिन कितना होगा ये तो मालूम नहीं है। तो पहले बहुत बारिश हुआ था, वीडियो कर ही नहीं पाया, तो अभी जा रहा हूँ कुमार घाट आके। थोड़ा बारिश कम हुआ है, धूप निकला है, कभी भी बारिश हो भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। देखा सा अनजाना सा कैसा होगा। हाँ चाहते हो चांद कटरा कैसा होगा। फ्रेंड्स, आप लोग पेचारथल पहुँचने वाले हैं। पेचारथल यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर होगा और हाँ सुंदर तो है। नहीं ये रॉक्स नहीं है, ये रॉक्स नहीं है, ये मिट्टी है। हाँ हमारे त्रिपुरा में रॉक्स है ही नहीं ज़्यादा। ये रोड जाता है कंचनपुर। क्या हुआ, कंचनपुर जाना है या सिलछरा वाटरफॉल? हाँ वाटरफॉल जाना ही है, उसे वही तो बोल रहा हूँ। कंचनपुर ये देखिए, ओ 200 मीटर है यहाँ। अच्छा ये रास्ता है। हाँ ये दूसरा रोड है। हाँ तो अभी हम लोग कंचनपुर आ गए हैं और कंचनपुर जो कि जम्पई का नियरेस्ट एरिया है, एरिया प्लेस। और हमारे साथ जो जाने वाले थे उनको थोड़ा हमने रख के ये रहा। चलो जल्दी वो आंटी ना काइपिंग है, ठीक है, आके पूछ रही है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मैं तुम लोग कौन से ट्राइब हो। हम मैं तो जम्पू जाने वाली हूँ लेकिन हाउ वी गो, दिस इज जम्पू, यो एक्साइटमेंट फाइनली पहुंच रहे हैं। अभी तक पहुंचे नहीं है, पहुंच रहे हैं। जम्पू है। हाँ जी और कुछ नहीं है, जब वही है। पहुंच गया हूँ जम्पई। जम्पई के ऊपर गया नहीं हूँ अभी तक, तो जाने वाला हूँ। उधर बांगमूल है, इडन है, इडन में ठहरना है। फुलदोंगसाई जो त्रिपुरा और मिजोरम का बॉर्डर है, तो हम लोग मिजोरम में जाएंगे कल। आज पॉसिबल नहीं है, आज इधर का वाटरफॉल एक्सप्लोर करेंगे नीचे का जो है। और बांगमूल जाएंगे जो कि त्रिपुरा का क्लीनेस्ट विलेज है,
और आज मेरे साथ है, ये देखिए कौन है। यो तो चलिए इंट्रोड्यूस करा ही देता हूँ, ये है सिया। देखा गंदा रास्ता शुरू हो गया। नहीं गंदा रास्ता तो है बहुत बहुत है। लॉज जो कि मेरा बहुत दिन का सपना था, यहाँ पे रहूँगा है ना, तो आज देखते हैं यहाँ मिलता है क्या नहीं है। रूप देखिए दोस्तों, इडन बहुत ही सुंदर तो है, बहुत ही सुंदर है। और सुना है यहाँ का जो व्यू है सुबह का व्यू, लगता नहीं है रूम मिलेगा भाई। कहा एक अलना है वो भी बहुत पुराना, और टॉयलेट देखिए, बाथरूम देखिए, ठीक ठाक है। ठीक ठाक। और रूम की तरफ मत जाइए क्योंकि लड़का का रूम कैसा होता है आपको पता ही है। टेंट लाया था लेकिन अभी तक काम में लगा नहीं है।